हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है माधुरी एंड आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम स्ट्रीट स्टाइल चिली गार्लिक फ्राइड राइस। इफ यू लाइक दिस रेसिपी, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सो फ्राइड राइस बनाने के लिए मैं एक बोल में ले रही हूँ एक कप बासमती राइस एंड इसे जो है अच्छे से वॉश करेंगे हम। आधे से एक घंटे के लिए इसको हम सोक करके रखेंगे, तो इसे वॉश कर लेते हैं हम इस तरीके से। जो है हम इसे वॉश करेंगे अच्छे से। इसे चार से पांच बार मैंने इसे वॉश कर लिया है एंड अब इसमें मैं पानी डाल के, खूब सारा पानी डालिए ताकि अच्छे से जो चावल है हमारे इसमें भीग जाए। एंड इसे मैं भिगो के रखूंगी, मिनिमम एक घंटा इसे हमें ज़रूर भिगो के रखना है। सो चावल को भीगे हुए एक घंटा हो चुका है, तो चलिए अब चावलों को हम बॉईल कर लेते हैं। अब राइस को बॉईल करने के लिए मैंने एक पतीले में पानी लिया है खूब सारा एंड मुझे इसमें एक बॉईल लेकर आना है। सो गाइस, पानी जो है हमारा बॉईल हो गया है, इसमें बॉईल आ रहा है। अब जो है मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। पानी जो है वो जिसमें हमने सोक करे थे वो हमने इसमें नहीं डालना है, तो सिर्फ जो है राइस हम जो है इसमें डालते जाएंगे। सारे चावल जो है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चौथाई चम्मच के करीब नींबू का रस। इससे जो है चावल हमारा खिला खिला बनेगा एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। लगभग आधा चम्मच के करीब ही मैं इसमें नमक डालूंगी। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, आंच को कम करके इसे अब हम पकने देंगे। नमक उबलते हुए राइस में डालने से जो चावल है उसमें एक स्वाद आ जाता है, नहीं तो आपकी कोई भी राइस की जो रेसिपी होगी वो फीकी फीकी लगेगी। तो अगर आप बॉईल करके चावल यूज़ करना चाहते हैं तो बॉईल करते समय नमक ज़रूर डालिएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए चावल हमारा कितना लंबा बना है और खिला खिला भी है एंड चावल जो है अब हमारा पक चुका है। ये देखिए दबाने पे ये जो है मैश हो रहा है। चलिए इसे अब पैन से उतार लेते हैं। एक बोल ले रही हूँ, उस पर रख रही हूँ एक छन्नी एंड छान लेते हैं हम अपने राइस को। जैसे ही हम छान लेंगे राइस को, एक थाली ले रही हूँ मैं एंड ये सारे राइस जो मैंने छान लिए थे इस थाली में मैं पलट रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए एंड ये चिपके चिपके ना रहे। इस तरीके से थाली में हम फैला लेंगे एंड इसे ठंडा होने देंगे। सो फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है एंड इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक चॉप करी हुई गार्लिक। अब ट्रेडिशनली जो फ्राइड राइस है वो तो वॉक में बनते हैं बट किसी के पास वॉक होता नहीं है। हल्का सा सौते करेंगे गार्लिक को एंड फिर हम डालेंगे इसमें इस तरीके से स्लाइस करी हुई 2 हरी मिर्च। इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे एंड फिर हम एक डाल देंगे एंड फिर मैं डाल रही हूँ इसमें एक मीडियम साइज का लंबा कटा हुआ प्याज। ज़्यादा हमें पकाना नहीं है सब्जियों को। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज की गाजर जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। फिर इसमें मैं डाल लेती हूँ एक मीडियम साइज की चॉप करी हुई कैप्सिकम, 2 से 3 फ्लोरेट्स फाइनली चॉप करी हुई ब्रोकली एंड लास्टली मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के करीब पत्ता गोभी जिसे मैंने फाइनली जो है कट कर लिया है। सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब हम इसमें डाल लेते हैं अपनी कुछ सॉसेस। 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसमें शेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून विनेगर, ब्लैक पेपर पाउडर में डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून एंड इन सभी को मैं मिक्स कर लेती हूँ एंड मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग। बॉयल करते हुए भी हमने सॉल्ट डाला था तो बिल्कुल जो है आप केयरफुली इसमें नमक ऐड करिएगा। सॉसेस डालने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे एंड इसमें हम ऐड कर लेंगे बॉईल करे हुए राइस एंड बहुत लाइटली इसे हम मिक्स करेंगे। सो देखिए गाइस, हमारा राइस जो है वो कितना खिला खिला बना है एंड ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। सो लीजिए, हमारे जो है स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करिए एंड एंजॉय कीजिए। सो गाइज, आप भी ये रेसिपी डेफिनेटली ट्राई करिए एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर योर लव एंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। बाय फॉर नाउ।